हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ डिफरेंट। नॉर्मल मैं जो डेली रूटीन में नहीं होता उसका आज व्लॉग है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर है वीकेंड। और जैसे कि वीकेंड में सभी को पता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए वीकेंड एज लाइक कि हाँ, अब सांस लेने की फुर्सत आ गई है दोबारा से, मतलब दोबारा से अब मंडे को ज्वाइन करने की ताकत, मोटिवेशन तो नहीं कह सकते, हाँ वो एनर्जी दोबारा मतलब गेन करने की शक्ति आ गई है, जो वो सारी कलेक्ट करनी है, वो एनर्जी सारी कलेक्ट करनी है ताकि वो एक वीक और अपने काम को अच्छे से कर सकें। तो वो होता है वीकेंड मेरे सेंस में। तो आप बताना कमेंट में कि आपको भी ऐसा लगता है या नहीं, क्योंकि जब मैं कॉलेज या स्कूल में थी ना, तब मेरे लिए वीकेंड एज ए संडे होता था और मुझे बड़ा ही मज़ा आता था और उस दिन हम घूमने जाते थे। और अभी आज मैंने सोचा कि चलो, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि आज वो घूमने जा रहे हैं, उन्हें कोई काम था, तो मैं कि चलो हम भी साथ चलते हैं। और वैसे भी रूटीन से हट कर काम करने में यार मज़ा ही अलग है। हाँ, इससे एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है और आप अगले टाइम के लिए एक्साइटेड हो जाते हो, मतलब अब नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए, या तब तक एक्साइटेड रहते हो जब तक वो दोबारा से आपने वो ब्रेक ना ले लिया हो। तो मैं ब्रेक लेने के लिए पहुंची थी नड्डी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं धर्मशाला में इस टाइम रह रही हूँ, तो यहाँ पर एक अंडररेटेड प्लेस है नड्डी करके, और ये जगह इतनी खूबसूरत है और स्पेशली यहाँ के लोकल्स को ही पता है कि ये जो जगह है ना, ये अपने सनसेट के लिए फेमस है। हाँ, अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हो तो एक घंटा पहले ही आना सनसेट से। और ना मोस्टली यहाँ पर ना क्लाउडी होता है और आपको धौलाधार की जो रेंज है, वाओ, इतना सही, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, लुक आता है लुक, और आपको सुकून मिलता है अगर आप वहाँ पर मतलब बैठते हो आराम से अपने लव वंस के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या आप अकेले भी, बहुत मतलब आपको एक सुकून जैसा महसूस होता है वहाँ पर। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपने ना यहाँ पर आना है तो आप कैब ड्राइव मतलब कैब करवा के ही आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बसेस वगैरह नहीं जाती। और एक और बात, यहाँ के अगर आपने आकर शॉपिंग करनी है ना, तो शॉपिंग देख लेना कि बार्गिंग यहाँ पर होगी नहीं, या मतलब अगर आपकी बार्गिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो चांस है, क्योंकि हमने तो ट्राई कर लिया, हमसे हुई नहीं यार, तो वो आए ही नहीं लो लेवल, मतलब उन्होंने 10-20 रुपए से नीचे की बात ही नहीं की कि चलो ठीक है। जैसे एक कैब थी जो मुझे पसंद आई थी, वो 250 की थी, तो उन्होंने 240 लगाए, उससे नीचे जा ही नहीं रहे थे हम। तो मेरी फ्रेंड जो यहाँ की लोकल फ्रेंड थी, उसने कहा कि चले यार नीचे वाली साइड चलते हैं, वहाँ पर यही सेम चीज़ आराम से अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। और वो कैब ऐसे भी नहीं थी कि मतलब बहुत ही सुंदर थी, वो तो बस मुझे एज अ सिंबल लेनी थी कि जैसे होते हैं ना, कई जगह से हम किसी प्लेस पर विज़िट करते हैं तो हमारा मन करता है कि हाँ अपने साथ वहाँ की कुछ याद के रूप में, कोई साइन के रूप में कोई चीज़ ले आए अपने साथ। तो मेरा सीन आज वही था उसे लेने के लिए, बट इट्स ओके, नहीं मिली, नहीं हुआ सेट, और मुझे वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी लग रहा था, और आपको पता ही है टूरिस्ट प्लेस पे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो नड्डी ना डल लेक से 2 किलोमीटर ऊपर है, तो हम फिर जब वापसी में आए तो मैंने डल लेक की भी एक दो पिक्चर्स ली थी, मतलब क्लिप ली थी, वो भी मैंने इसमें शेयर की हुई है। और वो जगह भी बहुत अच्छी है अगर आप घूमने आ रहे हो तो डल लेक आना। हाँ, अगर आप सर्दियों में आओगे तो बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ ना सर्दियों में स्नोफॉल हुई होती है, जिसकी वजह से यहाँ का क्या लुक आता है, ओ भाई एक एंड लेवल होता है। और वहाँ पर हमने ना मोमोज़ ट्राई किए थे, मोमोज़ ठीक ठीक ही लगे, वो आपके ऊपर है, अगर आपको, हम ऐसा खाना खा कर भी गए थे तो इसलिए हमें इतनी भूख नहीं थी, तो हमें ठीक ठीक ही लगे, और हमने उससे बेटर मोमोज खाए भी हुए हैं, बट हाँ आपको भूख मिटानी है तो अच्छे थे और सही रेट के भी थे, अफोर्डेबल थे, मतलब 80 की प्लेट थी मे बी। तो फिर उसके बाद हम निकले यहाँ से सीधे मैकलो की तरफ। बहुत सारे लोगों को मैकलो नहीं पता होगा, जो यहाँ के लोकल्स नहीं हैं वो इस प्लेस को मैकलोडगंज कहते हैं, मैकलोडगंज, बट इसे एज अ नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ के लोकल्स जो हैं हिमाचली, वो उसे मैकलो ही बुलाते हैं। और ये मैकलो की ही सबसे, जो नड्डी है ना वो हाईएस्ट पीक है मैकलो की, तो ऑफ कोर्स
आपको पता ही है मेरे भूख के बारे में, तो मोमोज खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला था, तो इसलिए वहाँ पर जो एक मैकलो का एक कैफ़े था, हम वहाँ गए, कैफ़े प्लस रेस्टोरेंट जिसे कह सकते हो। तो यहाँ पर ना पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे, बहुत मतलब ज़्यादा ही टूरिस्ट थे, मुझे इंडियंस दिखे ही नहीं, एक दो ही दिखे उन्हें, और जो वहाँ के वेटर्स थे वो जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे वो थे बस, बाकी सारे कहीं ना कहीं से आए हुए लोग ही लग रहे थे, मतलब टूरिस्ट थे। तो यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव लगा मुझे एज़ कंपैरिजन, अगर मैं यहाँ की बात करूँ जो कचहरी या कोतवाली है, ये जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं धर्मशाला के, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव था ये, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत मतलब टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए इन्होंने लिटिल बिट एक्सपेंसिव कर रखी थी हर आइटम। तो आप देख लेना अगर आप यहाँ पर आ रहे हो। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ का आप बर्गर ट्राई करके देखना, ठीक है। यहाँ हमने सबसे पहली चीज़ जो ऑर्डर की थी वो थी हनी चिली पोटैटो। हनी चिली पोटैटो मुझे अच्छा लगा, मतलब अगर मैं इसे 10 में से 7 दूँगी तो उस अकॉर्डिंग था। बस मुझे ऐसा लग रहा था ना, जो पोटैटो थे वो पोटैटो को और स्लाइसेस पतली हो सकती थी, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था इसका ना टेस्ट कुछ ज़्यादा मीठा आ रहा है, जैसे हनी तो था ही। तो एक होता है ना जो पोटैटो, मतलब दो टाइप के पोटैटो होते हैं, एक जो पहाड़ी होते हैं और एक जो मीठे होते हैं, जो मीठे वाले होते हैं ना वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, तो शायद उन्होंने इस चीज़ से बनाया था, तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा और मिर्ची होती, स्पाइसी होता तो टेस्ट बैलेंस हो जाता। और ये हमने बताया ना कि हमने बर्गर मंगाया था, यही मुझे सबसे अच्छा लगा। और मेरे फ्रेंड्स को मैं बहुत पतली लग रही थी, तो उन्होंने स्पेशल कहा नहीं तो शेक ही पिएगी, उन्होंने खुद के लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई हैं, और प्रिया का तो आज फास्ट था तो उसके लिए जूस आया था, तो जूस भी सही था, शेक भी बहुत अच्छा था। और मैंने शेक मंगाया था चॉकलेट शेक, बहुत ही सही टेस्ट था, और साथ में ना वाइट सॉस पास्ता था। मैं आपको सच बताऊं तो उसको तो मैं 5 ही दूंगी, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बस मैंने ये किया कि हाँ मुझे खाना है तो इसलिए मैंने उसे फिनिश किया जो मेरी प्लेट में था। बाकी मैंने दोबारा उसे लेने की कोशिश भी नहीं की, दोबारा सोचा भी नहीं कि मैं इसे खा सकती हूँ। और पर वो इन्वायरमेंट, मतलब जो आसपास का एरिया था ना, वो बहुत सही था, बहुत ही अच्छा था, मतलब आपको एक अलग ही वाइब आ रही थी, जैसे आते ना कि आप एक नई प्लेस पे आए हो टूरिस्ट वाली, वैसी वाइब आ रही थी। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इन्जॉय करो, और अपनी जो बजट है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके ही आना। और फिर हम उसके बाद निकल पड़े वापसी की तरफ, और वापसी के लिए हमने ना मेन जो रास्ता है वो चूज़ किया। मेन रास्ते मतलब यहाँ पर ना कई शॉर्टकट भी थे बट वो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, तो मेन रास्ता जो नीचे कोतवाली को जाता है, धर्मशाला के बस स्टैंड को जाता है, हमने वो वाला रास्ता चूज़ किया था। और मैं आपको यहाँ के बाद बताऊँ, इतनी सही वाइब आ रही थी ना यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये रास्ता, मतलब जो मेरा घर है वो और दूर होना चाहिए, मतलब जो मेरा रूम है वो और दूर होना चाहिए, मतलब मुझे सफ़र का इंजॉय करने में मज़ा आ रहा था। सफ़र मतलब डेस्टिनेशन पे तो हम वो आए थे, खा पी भी लिया था, बस अब ऐसा लग रहा था कि कार में स्लो सॉन्ग चल रही हूँ और मैं बाहर देख रही हूँ और हवा, ओ भाई आज तो यहाँ का वैसे वेदर भी बहुत सही था, तो बहुत मज़ा आया मुझे तो, मतलब लिटरली बहुत मज़ा आया। यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेस है ना, वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो आप एक चीज़ रखो कि आप बार्गिंग कर सको उनसे, क्योंकि मेनली क्या होता है ना कि ऐसी जगहों पे टूरिस्ट आने की वजह से रेट काफ़ी हाई होते हैं, जो कि नॉर्मल मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ही होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि आप उनसे बार्गिंग करो, ठीक है। और अगर आपको नहीं करनी तो वो आपकी मर्ज़ी है, बाकी मैं आपको एक बार ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बार्गिंग करो, और जो चीज़ आपको यूज़ में नहीं है, और ख़ासकर जो प्लास्टिक आप यूज़ करते हो ना उसे ऐसे ही थ्रो मत करो, जो डस्टबिन उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं उनको यूज़ करो, क्योंकि ना अगर आप टूरिस्ट प्लेस किसी की साइड जा रहे हो तो उसे उस प्लेस को कैसे गंदा करके आने में कोई यूज़ नहीं है। इतने टाइम मुझे यहाँ पर रहते हो गया ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट वीकेंड था मेरे लिए,
मतलब एज लाइक सिर्फ घूमने के लिए मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा घूमना, घूमना अच्छा लगता है मतलब, बट आज तो मैं एक साथ 3 प्लेसेस पे गई, और अगर और टाइम होता तो शायद और आगे जा सकते, या वहाँ की जो मेन मार्केट है मैक्लो कोई जो मेन मार्केट है उसे भी थोड़ा एक्सप्लोर करते, बट मैं तो वहाँ जाना हमने अवॉइड ही किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को जो आना चाहते हैं धर्मशाला, या जिन्होंने ऐसे इंजॉयमेंट के लिए देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ओके बाय।